हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आज मैं आपको जूनियर DTPLSB जूनियर क्लर्क की कट ऑफ और रिजल्ट कब तक आएगा इस बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बात बता दूं कि मैं इस चैनल पे DTPLSB की जितनी भी आपकी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन, रिजल्ट, एग्ज़ाम डेट और आपके कट ऑफ क्या रहता है, तो उसकी सारी अपडेट्स मैं इस चैनल पे देता हूँ। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको DSSSB की जानकारी जो है वो अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो चलते हैं हम सबसे पहले इस वीडियो की तरफ। तो मैं आपको बात बता दूं कि ये जो जूनियर क्लर्क की जो पोस्ट आई थी वो टोटल 254 वैकेंसी के लिए टोटल पोस्ट थी, और ये एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2020, ठीक है, इस एडवर्टीजमेंट नंबर के अंतर्गत आई थी। और इसका जो एग्ज़ाम था वो था 9 नवंबर से लेके आपका 17 नवंबर 2021 तक आपका इसका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो अभी तक इसका रिजल्ट का अपडेट्स मैं अभी आगे बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं आपको बात बता दूं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मानी जा रही है वो ये है कि आपकी जनरल की 155 से 160, क्योंकि इस बार जो था वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ था और बच्चों ने अच्छा अटैम्प्ट किया है इस वजह से, ठीक है। तो लास्ट ईयर के हम देखते हैं तो लास्ट ईयर आपकी जो कट ऑफ गई थी फाइनल वो थी 138.28, इस बार आपका लगभग 155 से 160 जाने के आसार है। OBC की आपकी लास्ट ईयर गई थी 126.93, इस बार आपका 133 से 140 जाने के एक्सपेक्टेड है। EWS का 138 से 145 जाने का एक्सपेक्टेड है, लेकिन EWS की लास्ट ईयर EWS का कुछ भी नहीं था, तो इस वजह से EWS का कट ऑफ कुछ भी नहीं लास्ट ईयर दिया गया था। SC की हम बात करते हैं तो SC की आपकी 122 से 130 के बीच कट ऑफ जा सकती है, जिसमें लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो 128.28 थी। ST की आपकी 112 से 118 के बीच जा सकती है, और आपकी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो आपकी 105.12 थी। OPWD की आपकी 98 से 105 जा सकती है, लास्ट ईयर कट ऑफ आपकी 67.05 थी। एक्स सर्विस मैन की 80 से प्लस जा सकती है, और जबकि लास्ट ईयर थी आपकी 61.84। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल की कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जा रही है। वो इस वजह से ज़्यादा जा रही है क्योंकि लास्ट ईयर पोस्ट भी आपकी ज़्यादा थी, दूसरी बात कंपटीशन भी आपकी उतना नहीं था, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और क्लर्क के लिए आपका पेपर जो है वो एक तरीके से इजी नहीं कहेंगे बट लेकिन मॉडरेट आया था, लेकिन लोगों ने अटैम्प्ट अच्छा किया है, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो बढ़ने के आसार है। अब हम बात करते हैं कि भाई कितने ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अलग अलग कैटेगरी वाइज एग्ज़ाम दिया था। तो ये जो डेटा है वो RTI के थ्रू आया है। तो मैं आपको बात बता दूँ कि टोटल UR में 290,000 लोगों ने फॉर्म भरे थे, और EWS में अपने 145,000 फॉर्म भरे गए थे, OBC में 80,000 थे, SC में आपका 121,000 थे, और ST में आपका 108,000। तो ये टोटल जितने बच्चे आपको दिख रहे हैं ये इन सब ने उसी कैटेगरी में अपने फॉर्म्स भरे थे। ये फॉर्म फिल्ड है, ऐसा नहीं कि कितने देने गए थे, ये कुछ नहीं है। इतने बच्चों ने टोटल आपके फॉर्म्स जो है वो जूनियर क्लर्क के भरे थे। तो ये जो पूरा डेटा है ये लगभग आपका आपका जब भी कट ऑफ आएगा तो आप खुद देख सकते हैं कि लगभग इसी डेटा के अकॉर्डिंग ही आपका कट ऑफ जो है आएगा। आप पिछले जितने भी कट ऑफ आए हैं वो लगभग मैंने जो बताया उसी अकॉर्डिंगली आपके कट ऑफ आए हैं। और साथ ही साथ मैं रिजल्ट बात बता दूँ, इसका जो रिजल्ट है वो आपका जनवरी लास्ट में आएगा। लास्ट में लगभग आप मान लीजिए कि आपका 27 से 28 के बीच आएगा लगभग आपका इसका रिजल्ट, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से आगे जो भी सेकंड टाइपिंग वगैरह करो उसके लिए तैयार हो जाइए। साथ ही साथ मैंने जूनियर क्लर्क की प्रमोशन और सैलरी की वीडियो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आपको दी हुई है, तो आप जाइए उसको देखिए कि कैसा क्या आपका कैरियर रहता है अगर आप जूनियर क्लर्क बन जाते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर ऐसी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ओके।